लड़की पहले भी करके गई है। हाँ पहले भी करके गए। चलो 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 जल्दी 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 तो फिर मेरा क्यों कहना बनी यार यार उनके साथ कर लिया तेरा तो हो गया ना। चलो दोनों का चलो चलो जल्दी जल्दी इतनी बात में हो जाते दो। चलो चलो अरे भाई मत मारो ना गाली दो बस। हाँ चलो। हाँ जो सर आपसे जानना चाहूंगे कितने एक्साइटमेंट है न्यू शो को लेकर। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हम इस शो को तकरीबन 2 साल से बना रहे थे। बहुत प्लानिंग चल रही थी क्योंकि भारती का यूट्यूब चैनल आना अपने आप में एक अलग बात होनी चाहिए बिकॉज भारती का जो टैलेंट है वो हम सब जानते हैं कि वो एक अलग बहुत बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट है। तो ये एक नॉर्मल चैनल नहीं होना चाहिए। तो वी आर मेकिंग श्योर कि भारती टीवी पर जो भी शोज़ आए वो ऐसे शोज़ आए जो आप टीवी पर नहीं देख पाते या नहीं देख सकते। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबके फ़ोन में अवेलेबल है यूट्यूब, तो आप फटाफट यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं भारती टीवी को, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा साल एवरी डे नया नया कॉन्टेंट डालने वाले हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जितना प्यार इतने टाइम से दिया है प्लीज़ सब्सक्राइबिंग में भी वो प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर। और सारा इन्होंने बोल दिया, मैं चुप्पी खड़ी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपके नाम भाई बेचारी मेरे से पूछ रही है। भारती टीवी है तो दोनों आप साथ में नजर आ रहे हैं, तो हर्ष और भारती दोनों मिक्स करके ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं सोचे? ऐसा सिर्फ भारती टीवी है। ये लड़की लड़कियाँ ही अक्सर घरों में कलेश डलवाती है। सही कहा हमारी मीडिया ने, इसके मन में बात डाल दी अभी वो। सही कहा। नहीं लेकिन मैं एक्टिंग करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मेरा मेन काम है वो राइटिंग एंड प्रोडक्शन है। बेसिकली मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो और आज हमारे डांस दीवाने के विनर भी हैं जिन्होंने 20 लाख रुपए और एक गाड़ी जीती है और ये 20 लाख रुपए हमारे शो में लगाने वाले हैं। सुपर। इन्होंने कहा था कि इसने कहा था दीदी अगर मुझे वोट करवाओगे अगर मैं पैसा जीतूंगा वो पैसा आपके शो में लगाऊंगा। भाई पैसा लाया, मास्क लाया हूं। अरे अपन दोनों सेम टीम में। ओके सो आज किस तरह से गेम खेलने वाले हैं आप सब बताओ पीयूष। वो तो अभी पीयूष हमारे एक कॉल पे नागपुर से आए हैं और बड़ी खुशी हुई यार कि ये बच्चे इतनी रिस्पेक्ट करते थे। मैंने पीयूष को एक ही बार बोला, मैं कहा पीयूष ये डेट चाहिए, हाँ दीदी मैं आ जाऊँगा, और आ गए क्योंकि वेले थी ना, उसके बाद काम नहीं मिला। मुझे कैसा लग रहा है आज? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अंदर देख के आए। हाँ कैसा लग रहा है? मैं बहुत ग्रैंड है और मतलब मैं तो अभी अभी डांस दीवाने जीता हूँ और मैं तो पता नहीं इंडस्ट्री में अभी छोटा मोटा नाम बना है और मेरे को पता नहीं था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। मेरे खुद के नाम की वैनिटी है रोजगुर वेले लिखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी और भारती मैम और हर सर को बहुत बड़ा थैंक यू कि मुझे इतने बड़े गेम शो में इनवाइट किया और उनका फर्स्ट एपिसोड है आज। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फर्स्ट एपिसोड का पार्ट हूँ। सो देखते हैं अभी अंदर क्या। जो लड़का जीता है वो कितना लकी होगा, है ना? अब बस बेटा ज़्यादा इंटरव्यू तुम्हारा नहीं बेटा, इधर से ले इधर से हटना वायर है भैया, ऐसा ना घूमो इधर इधर आ यार। अरे ब्रो शॉट लिया था बेसिकली। नहीं बेसिकली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है ना, मसल टेयर हुआ था मेरा हनीमून पे, बहुत स्कीइंग किया था। स्कीइंग किया तो उसने बेसिकली शॉट डाला डालते हैं उधर, एब्सेस हो गया है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड बेसिकली देर वॉज वन बट ओवर माई बट एंड फॉर 6 डेज वो बर्स्ट ही नहीं हुआ। इतना बड़ा 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 होके फाइनली कल वो बर्स्ट हुआ। फाइनली उसको मेरे फोटोज भी भेजे। अच्छा वो सेट के भेज रहे, तो ये भेज रहे। हाँ बोलिए। इंडियन गेम शो फिर से स्टार्ट होने वाली है, खतरा खतरा शो के बाद क्या कुछ एक्साइटमेंट है बताना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड है हम लोग। एक तो बीच में जो पैंडेमिक आ गया तो वैसे भी हम लोग घर पे बैठे थे और बैठे बैठे जो है शरीर बहुत लूज हो गया है, तो इसीलिए अब हम गेम्स खेल के इसे फिर से सख्त बनाने वाले हैं। हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है यार। हर्ष और भारती ने कुछ सोचा है, अच्छा ही सोचा है। एक था खतरा खतरा जिसकी वजह से आई पर्सनली फील स्पेशली हर्ष भारती का छोड़ो मेरा आदि का बहुत फायदा हुआ है। लोग हमें अलग तरीके से देख रहे हैं और बहुत लाइटर नोट में हमें देखा है। काफी कॉमेडी शोज किए हैं हमने और काफी माल दबाया है, इसीलिए ये वाला हम फ्री में कर रहे हैं। फ्री में कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो इस बार किस तरह की तैयारियां चल रही है आप लोगों? बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की हमने। एक्चुअली क्या है ना कि हर्ष और भारती हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो हमें कहीं भी बुला लें हम दौड़े चले आते हैं 100%। और यू नो मोर देन देम बीइंग होस्ट या प्रोड्यूसर्स, वो बहुत अच्छे लोग हैं और यू नो हम इतना काम कर चुके हैं, हम रोज़ इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ एक यू नो
फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है. तो मेरे और पुनीत के लिए भारती एंड हर्षा लाइक फैमिली. करेक्ट. तो इसीलिए जब उनका फ़ोन आता है तो हम, हालांकि हमें बहुत सारी जगह ऑफर्स आते हैं और बहुत सारा धन भी दिया जाता है, लेकिन पर मन यहाँ पे है. हाँ, मन यहाँ पे है और इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये लोग कुछ नया कर रहे हैं. पहली बार वेब स्पेस में हर्ष और भारती आए हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जो यूथ है हमारे देश की वो अब वेब की तरफ बढ़ चुकी है. आप वेब सीरीज़ देखें, वेब फिल्म्स देखें, या आप जितने भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी एक ऐसा फैक्टर है जिसे हर्ष और भारती अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पास. ओके, जिस तरह से अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, करवा चौथ आने वाला है और भारती ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई, आप दोनों की भी वाइफ मेहंदी लगाई होगी, किस तरह से तैयारियां चल रही है घर पे? मुझे इसका पता नहीं है, मेरी बीवी ने करवा चौथ नहीं रखा है एंड रखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. हर एक की अपनी अपनी माननी होती है, अगर वो रखेगी तो मैं भी रखूँगा, मेरा मानना वो है. बट इट्स द फीलिंग एंड फेस्टिव सीजन आ रहा है, चाहे नवरात्रि गया हो, करवा चौथ हो या दिवाली आने वाली है, मज़े मजाक फैमिली वाला फील होता है, अच्छे लोग मिलते, अपने लोग मिलते हैं, तो ये फेस्टिव सीजन ही हमारे लिए. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, श्वेता कल यहीं आ रही हैं क्योंकि कल भी हमारा शूट है, तो आई थिंक यहीं किधर से अगर चांद वांद दिख जाए तो अच्छा है. और हमारा पहला करवा चौथ है एज अ मैरिड कपल, तो यू नो कुछ रीति रिवाज अच्छे होते हैं, यू नो वी एंजॉय देम एंड बस. जिस तरह से आप लोग दोनों गेम खेलते हैं मस्ती के साथ, सो ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऑडियंस जितना प्यार करती है, पसंद करती है, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग फुल ऑन धमाल करने वाले हैं एंड जितना प्यार आप लोगों ने अब तक दिया है, कि जितनी बार भी हमें ये फैमिली मिली है, वही प्यार कंटिन्यू हो और ऐसे ही आप लोग इसको एक नंबर वन शो बना दो. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम सब जो यहाँ पे हैं ना, हमारी डेस्टिनीज इंटरट्वाइंड है और हम इत्तेफाक से मिले हैं, पर उसके बाद सब ने एक साथ खुशी देखी है, बरकत देखी है और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. इसीलिए वो जो प्यार है, वो जो दोस्ती है, वो आप सबको देखने को मिलती है और उस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं. बाकी शोज़ तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड जेन्युइन है, इसे बनाया भी नहीं जा सकता. और अगर देखा जाए तो हम लोग मिले थे कट्टर दुश्मन, चैलेंजर्स एंड खतरों के खिलाड़ी, हम सब, चाहे हम दोनों हो, भारती हर्ष हो, अली जैस्मिन हो, एंड देन आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड पीपल हमारे एग्जांपल देते हैं एज़ फार एज़ इंडस्ट्री फ्रेंडशिप इज कंसर्न. तो यही एक्चुअली इसका क्रेडिट पूरा हर्ष को जाता है, जो उसने वो खतरनाक गेम को मस्ती में मजाक में ट्रांसलेट किया, उसका इधर हो गया. मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, श्वेता देखती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें वो एक डेली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ देखना पड़ता है. लेकिन जितने भी लोग हैं उस घर में, मैं ऑलमोस्ट सबको जानता हूँ और यू नो ढेर सारी बधाइयाँ सबको, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा खेलिए और बस ऐसे ही आगे बढ़िए लाइफ में. ढेर सारे फॉलोअर्स आपको मिलेंगे इस शो से और काफ़ी म्यूजिक वीडियोस भी मिलेंगे. मैं रेगुलरली देख रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरे काफ़ी दोस्त है, उसमें से निशांत है जो OTT से कंटिन्यू हुआ, एंड चाहे करण कुंद्रा हो, तेजस्वी हो, अपना शमिता हो, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, जय हो, सबको पर्सनली जानते हैं, तो एक वन ऑन वन फीलिंग आती है एंड मैं रेगुलरली देख रहा हूँ. सबसे पसंद आई कॉस ऑफ कॉर्नर निशांत के लिए है, करण बहुत अच्छा कर रहा है, तेजस्वी बहुत अच्छा खेला. थैंक यू. इतने सालों बाद में इंडिया और पाकिस्तान का फ्यूचर जी, बहुत एक्साइटेड हैं हम, मैं खास करके, और मैं जानता हूं कि पुनीत भी बहुत कमाल के क्रिकेट लवर्स हैं और हम खुश हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को हम एक वर्ल्ड स्टेज पे फिर से खेलते हुए देखेंगे. और ऑफ कोर्स फुल सपोर्ट इंडिया के लिए, और कल हम जहां भी होंगे एक TV साइड में लगा होगा और सब मैच देख रहे होंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे. हाँ जी सर, बिल्कुल, और ये बरकरार रहेगा और मतलब जिस हिसाब से हमारी टीम है, मुझे बहुत भरोसा है कि इस बार हम कप घर लेकर आएंगे, खास करके क्योंकि धोनी भाई ने भी ज्वाइन किया है पूरी टीम को, एंड यू नो इट्स अ वंडरफुल टीम और हम हमेशा इंडिया और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं. चलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और बहुत मज़ा आएगा, अंदर जाके पता चलेगा, मेरे को कुछ पता तो नहीं है, बताया नहीं है, अभी जाएंगे तो मालूम पड़ेगा. बहुत ही ज़्यादा, हाँ,
मैंने ऐसा नहीं फॉलो तो नहीं किया था मैं, लेकिन मैं जाके अभी फॉलो करूँगा और 100% दूंगा, मेरा बेस्ट दूंगा पूरा। बहुत ही अच्छी, अभी 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 हमारी बात स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह आगे बहुत बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। आ जाइए, हाँ इधर। अरे गाइस झगड़ा मत करो, ये बिग बॉस नहीं है गाइस, आराम से सब सब साथ में करते हैं, प्यार से करते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी मैंने अंदर जो भी देखे आया, दिस इज ऑल गोना बी, मतलब ये गेम्स ऐसे होने वाले हैं, ये इतना फन होने वाला है कि आई कॉन्ट वेट फॉर इट। मतलब क्योंकि बिग बॉस में भी अगर आप सबने देखा होगा तो मैं टास्क वास्क मुझे बहुत मज़ा आता था करने, मैं एस करता था हर टास्क, तो अब यहाँ पे भी यही करूँगा, हर गेम को एस करूँगा और बस आज यहाँ पे जो भी ट्रॉफी या कुछ भी होगी ये मैं ही जीत के जाऊँगा गाइस। बहुत अच्छी, भारती से मेरी पहली बार बात हुई अभी, बिकॉज शी इज़ बिजी शूटिंग तो अभी मुलाकात नहीं हो पाई, बट आई जस्ट वांट टू गो हग हर्ष एंड भारती, दोनों इतने अच्छे हैं, दोनों इतने अच्छे। कल मैंने भारती से बात जब की, शी इज़ अ डार्लिंग यार, शी इज़ अ डार्लिंग, और जितना मैंने देखा है यार भारती सीधा मेरे फनी बोन से कनेक्टेड है, मतलब भारती जैसे बात करना चालू करती है एंड द थिंग शी सेज मेरे को अपने आप हंसी आ जाती है, शी इज सच अ लाइवली सोल। हर्ष इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल गाय एंड आई कॉन्ट रियली गो, आई कॉन्ट रियली वेट टू गो मीट देम, हग देम एंड ऑल ऑफ दिस। बिग बॉस ओटीटी का पार्ट रह चुका, बिग बॉस 15 थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बट हाँ जो ओटीटी में हो रहा है, एक्चुअली ओटीटी ये होना चाहिए, वो नहीं, ये हो रहा है ओटीटी, बट ठीक है जैसा भी है, इट्स ऑल गेम्स ऑल गुड एंड अब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हम यहाँ से लाइफ में कहाँ जाए। सो या आई थिंक मुझे जहाँ तक जितना भी मैंने देखा, आई थिंक मुझे उमर और सिम्बा का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, दीज गाइज आर प्लेइंग अमेजिंग। हाँ मतलब बिकॉज यार मेरा भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि झगड़े करने से लड़ाई करने से ही आप दिखोगे, हाँ बेशक आप दिखोगे बट आप किस लाइट में दिखोगे, राइट? तो रादर देन यू नो गोइंग विद दैट माइंड सेट, आई थिंक उमर एंड सिम्बा बींग हु दे आर, वो लोग फुकट लड़ नहीं रहे हैं कि भाई मुझे फुटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आई थिंक उमर एंड सिम्बा आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। ओके तेजस्वी और करण कुंद्रा का गेम है, का किस तरह से आप देखते हैं? मैंने देखा यार, मैं इस पर ना ही कमेंट करूँ तो अच्छा है, बिकॉज जैसे चीज़ें मेरे साथ भी हुई है बिग बॉस में, वो उससे आई थिंक 10 गुना ज़्यादा चीज़ें यहाँ हुई है, बट जनता सब देख रही है, मैं क्या ही बोलूँ गाइस। तो हाँ बिग बॉस से मैंने एक चीज़ सीखी, एक्चुअली दो चीज़ सीखी, एक तो मेरी हिंदी थोड़ी और स्पष्ट हो गई है कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी हिंदी में बात करने, मुझे मतलब इफ़ आई हैड टू कन्वर्स इन इंग्लिश मैं ऐसे फटाफट 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 आई कुड से थिंग्स, बट हिंदी में थोड़ा सा मैं अटकता था, तो अभी आई थिंक मेरी हिंदी थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। और बिग बॉस से मैंने एक चीज़ सीखी कि यार आप जो हो आप वही रहो, अगर आप किसी, क्योंकि अगर आप एक मुकोटा पहन के घूमते रहोगे और बताते रहोगे मैं ऐसा हूँ, तो आप कितनी देर तक वो मुकोटा पहन पाओगे, कभी ना कभी तो हटेगा ना, कभी ना कभी आप तंग आ जाओगे उससे। तो आई थिंक इफ़ यू आर हु यू आर पीपल विल लव यू फॉर इट, एंड मैंने वही की, मैं जो हूँ मैं वही था एंड मुझे आई एम सो थैंकफुल सो ग्रेटफुल फॉर एवरी वन हु हैज़ गिवन मी लव एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू एंड किस यू गाइज, आई जस्ट लव 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 एवरी वन हु हैज़ सपोर्टेड मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहूँगा इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, कम ऑन इंडिया, आई ब्लीड ब्लू ब्रो, आई ब्लीड ब्लू, तो हाँ हाँ अभी यार पिंक है तो अभी खून ब्लीड ब्लू ना, खून निकलेगा ब्लू ना, बिकॉज इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा। और यार अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बट सबको पता है जीतने कौन वाला है, इंडिया ऑफ कोर्स ब्रो, हम लोग ही जीतेंगे बिकॉज वी आर द बेस्ट, हम लोग का सब है यार, विराट कोहली एवरीवन, और क्या चाहिए, धोनी और एवरीवन यार, हम लोग ही जीते हैं, हम लोग ही जीतते आएंगे एंड आई डोंट थिंक एनीवन कम्स क्लोज टू द इंडियन क्रिकेट टीम, आई थिंक दे आर द बेस्ट बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड फॉर मी एंड आई थिंक सबके लिए, आप सबके लिए भी। भाई आपका व्लॉग का शूट कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छा चल रहा है, व्लॉग का शूट यहाँ पे भी चल रहा है। यस, यहाँ पे भी व्लॉग का शूट चल रहा है। अभी कल ही मेरा एक और व्लॉग आया है गोवा का, जब मैं एक बहुत ही अमेजिंग पार्टी में गया था, और पार्टी से मैं 6:30 बजे सुबह निकला था और पूरा गंदा था। जब मैंने अपने आप को किया, मैंने तभी नोटिस नहीं किया, जब मैं अपने आप को ऐसे आईने में आके मैंने देखा, मैंने बोला इतना गंदा हो गया कैसे, क्या ऐसी बात ही थी। तो हाँ, आई थिंक आई हैड एन अमेजिंग टाइम। हम लोगों ने पैरा सेलिंग की, जेट स्कीइंग, हम लोग वी वेंट टू स्विम इन द ओशन, तो बहुत ही एक एडवेंचरस ट्रिप था। तो उसका ब्लॉग आया है, प्लीज़ वो भी देखना जी स्कॉट ब्लॉग्स पे। थैंक यू। देखिए, भारती जी और हर्ष दोनों गेम्स के एक्सपर्ट हैं, इनको टीवी पर आपने देखा ही है, और बहुत ही पॉपुलर शो था इनका जो टीवी पर आ रहा था। मुझे डेट्स की वजह से मैं जा नहीं पाई शो पर, लेकिन जब इन्होंने ये बताया कि द ग्रेट इंडियन, आप देख सकते हैं, इंडियन गेम शो लॉन्च हो रहा है, तो भारती जी ने कहा जैमी यू हैव टू बी देयर, तो इसीलिए मैंने अपने डेट्स यहाँ वहाँ किए और सीधे गेम में पहुँच गई हूँ। अभी अभी ताज़ा ताज़ा गेम खेल कर आई हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही फन है, बहुत ही फन गेम है। ओके, किस तरह का गेम खेली है अभी आप? अरे इन्होंने लटका दिया ऊपर से यार, ऐसे ऊपर से लटकाया और ऐसे घुमाया धीरे धीरे, फिर फास्ट, और ज़्यादा फास्ट, तो फन था बहुत ज़्यादा। फिर हमको बॉल पकड़नी थी और अपने अपने बास्केट्स में फेंकनी थी, तो ऐसे रोज़ ज़िंदगी में होता नहीं है, तो बहुत ही अलग कुछ था। और कभी कभी मज़ा आता है कि गेम्स खेलें, बच्चे हो जाएं और इन्जॉय करें अपने आप को, तो बिल्कुल वैसा माहौल था। ओके, ये भारती और हर्ष के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती हैं? देखिए, भारती जी को मैं लुकअप करते आई हूँ, बिकॉज़ वो हमारे लिए, जब मैंने करियर मेरा शुरू किया था तब टीवी पर एक ही कमेडियन, फीमेल कमेडियन थी, वो थी भारती जी, तो वो डेफिनेटली बहुत लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, और इतनी फेमस कमेडियन है जिन्होंने अपना खुद का नाम बनाया है, अपनी आइडेंटिटी, अपना मार्क क्रिएट किया है इंडस्ट्री में, तो बहुत ही बड़ा नाम है वो। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ उनके साथ उनके शो पर आई हूँ। और हर्ष, ऑब्वियसली जब मेरा पहला शो था कॉमेडी सर्कस, उसमें वो एज अ राइटर भारती जी के स्क्रिप्ट्स लिखते थे, तो हर्ष से काफ़ी मिलना जुलना होता था उस टाइम पे। हर्ष ने मेरे लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे याद है, तो बहुत यादें हैं, बहुत सारे अच्छे पल हमने गुजारे हैं पहले टीवी के दिनों में, डेफिनेटली, तो मज़ा आ रहा है। बहुत सारे और स्टार्स देख रहे हैं, पुनीत देख रहे हैं, आदित्य देख रहे हैं जी, उनके साथ किस तरह से बॉन्डिंग बैठ रही है? पुनीत के साथ हाल ही में मैंने एक शो किया था जो जी पर, कॉमेडी शो आया था, तो और आदि के साथ भी, आदि के साथ एक और शो मैंने किया था, तो उस पर हमने साथ में कुछ कॉमेडी स्केचेस किए थे, पुनीत के साथ भी किए हैं इस बार मैंने, मैं एकता कपूर जी बनी थी और वो राइटर बने थे, तो काफ़ी फन था, तो अच्छा लगा इनसे फिर से मिलकर। मुझे पता नहीं था कि वो लोग होने वाले हैं आज, पर मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज आई नो देम पर्सनली, तो अच्छा लगा सबके साथ मिलकर खेलना। So, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है आपकी? हमारे लिए तो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं घर पे, तो क्रिसमस आ रहा है दिसंबर, तो अभी फ़िलहाल टाइम है, लेकिन हाँ, ज़रूर घर सजेगा, और मैं पर्सनली बहुत सारी डेकोरेशंस करती हूँ, तो यार डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, एंड लास्टली जाते जाते क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को इन्जॉय किया है इस लॉकडाउन में, इस पिछले लॉकडाउन में और इस पैंडेमिक के टाइम पे, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को एंजॉय किया, शेयर किया, सो थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच। इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है, तो क्या आप देखने वाले हैं? जी हाँ, मेरे घर में हमेशा हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम लोग मिलकर, हम रिक्वायर्ड, तो हम लोग मिलकर साथ में घर पे बैठते हैं, देखते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, और 6:30 बजे तक से
लेकर रात तक हम बिजी हैं भाई, कोई कॉल वॉल मत करना, नो मीडिया वाइट्स टुमारो, थैंक यू बाय।